आप लोग को किसी भी तरह से परेशान करती है, जैसे कि रिकवरी एजेंट, जैसे कि कॉल करके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, तो आरबीआई की गाइडलाइंस जो होती है, वो आरबीआई की गाइडलाइंस अगर ये लोग फॉलो नहीं करती है, तो हो सकता है ये लोग बैन हो जाएं। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है, जो कि एनबीएफसी एप्लीकेशन 2024 में बैंड होने वाली है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या एनबीएफसी के साथ होने वाला है, क्या आपके साथ होने वाला है, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। मेक श्योर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है, तो इस चैनल पे आप लोग के लिए सॉल्यूशन लाया जाता है। और हमारा टेलीग्राम भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एनबीएफसी एप्लीकेशन होती क्या है। एनबीएफसी एप्लीकेशन आप लोग जान ही रहेंगे, आप लोग ने लोन लिया है तभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये वीडियो डिफॉल्ट किया तभी आप लोग ने आया। एनबीएफसी एप्लीकेशन आपसे क्या मांगती है लोन लेने के वक्त, सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सिविल स्कोर, ये सब आप लोग को देख करके आप लोग को लोन देती है। तो यही एप्लीकेशन आप लोग को किसी भी तरह से परेशान करती है, जैसे कि रिकवरी एजेंट, जैसे कि कॉल करके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, तो आरबीआई की गाइडलाइंस जो होती है, वो आरबीआई की गाइडलाइंस अगर ये लोग फॉलो नहीं करती है, तो हो सकता है ये लोग बैन हो जाएं। और अगर इस पे आप लोग भी हो सकते हैं, अगर आप लोग कंप्लेन करते हैं उस एप्लीकेशन पे ज्यादा, जो आप लोग को जानबूझ के परेशान किए जा रहे हैं, आप लोग जेन्यून डिफॉल्टर है, आप लोग के पास सच में पैसे नहीं है, आप लोग नहीं पे कर पा रहे हैं, फिर भी आप लोग को परेशान कर रहे हैं ये लोग, तो ये सबसे गलत काम कर रही है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का एक दो एप्लीकेशन का मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पे स्ट्राइक वगैरह भी डाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ मैं बोलने वाला नहीं। पर आप लोग ने लोन लिया है, तो आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग जाने कि आप लोग को ये जानबूझ के डिफॉल्ट अगर आप लोग कर रहे तो गलत बात है। अगर आप लोग ने जेन्यून डिफॉल्टर तब कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर भी वो लोग जेन्यून डिफॉल्टर होने के बावजूद आप लोग को वो लोग परेशान कर रहे हैं, आप लोग ने उनको अपना प्रॉब्लम बताया है, फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे हैं, तब तो ये गलत बात है। आप लोग ने वक्त मांगा, आप लोग ने टाइम मांगा, उनसे ईमेल किया, अगर वो सब किया है तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को पहले अपने आप को बताना होगा कि हाँ भाई हम सच में जेन्यून डिफॉल्टर हैं, ऐसा आप बताइएगा, तब ना उसको पता चलेगा कि नहीं ये सच में जेन्यून डिफॉल्टर है या नहीं। आप लोग ने बताया नहीं, फिर वो लोग तो परेशान तो करेंगे। पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग उनको बता दे कि आप लोग जेन्यून डिफॉल्टर हैं। अब बात करते हैं कौन सी एप्लीकेशन आप लोग की एनबीएफसी बंद होगी, वो एप्लीकेशन बंद होगी जो आप लोग के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रही है, वो बंद होगी। जो आप लोग को गैलरी हैक करके आप लोग को परेशान कर रही है, वो बंद होगी। जो आपको रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एकदम आपको तंग कर दिए हैं, वो बैंड होगी। पर कैसे बैंड होगी ये जानना जरूरी है ना, कैसे बैंड होगी। वो तभी बैंड होगी जब आपके पास प्रूफ होगा कि आप लोग को वो परेशान कर रही है, आप लोग कंप्लेन कीजिएगा तभी बंद होगी। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन जो आप लोग के परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, आप लोग को बार बार परेशान किए जा रहे हैं, वैसे एप्लीकेशन बंद होगी। वो कैसे बंद होगी, आप लोग ने लोन लिया, आप लोग हरास हो रहे, तो आप लोग को स्टेप आगे लेना होगा, आप लोग को कंप्लेन करना होगा आरबीआई में, आप लोग को बताना होगा कि हम लोग को जबरदस्ती ये लोग हरास कर रहे हैं, मेरे पास पैसे अभी सच में जेन्यूनली मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, मैंने उनको अपना प्रॉब्लम बताया है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ने प्रॉब्लम कुछ नहीं बताया, तब तो यहाँ पे आपकी गलती है। अगर आप लोग ने बता दिया फिर भी ये लोग परेशान किए जा रहे हैं आपको, तब वहां आप लोग को आरबीआई में कंप्लेन करना है इनके अगेंस्ट। अगर मैक्सिमम अब जैसे इस एप्लीकेशन, कोई भी एक एप्लीकेशन है, एक्स एप्लीकेशन है, उस पर बार बार कंप्लेन जा रही है कि ये लोग ऐसे परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आरबीआई उस पर एक्शन लेगी, और हो सकता है वो सुधर जाए या फिर बैंड हो जाए, यही होगा, या फिर सुधर जाएंगे या फिर बैंड जाए। बाकी एनबीएफसी एप्लीकेशन अपने लिए रिकवरी के लिए बहुत कुछ करती है, तो इस पे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने लोन डिफॉल्ट किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप लोग की जितनी भी प्रॉब्लम है हम लोग उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। उसके बाद अगर आप लोग बात कर ले कि आप लोग को हम लोग से कुछ शेयर करना है वगैरह, तो आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, एनबीएफसी एप्लीकेशन के जितने भी आप लोग को यहाँ पे न्यूज आते हैं वो सब भी लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग 10K के करीब हैं, 10K पुरा दीजिए, चैनल्स का सब्सक्राइबर पुरा दीजिए,
उसके बाद और भी फुर्ती से हम लोग आप लोग का जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।